भैया आज आप तुम काई कर रहे आज? बस मक्का टेस्ट कर रहे तो काटने की काटा नहीं ये देख के। हाँ तो भैया कसी जाता तुमको कैसे मालूम पड़े की कसी ये पकी जैसे दिखे आ रही है मालूम पड़े भैया अपना का? अभी इसमें क्या कड़क दाने हो गया अगर कड़क हो जाए तो अपना मतलब मालूम पड़ जाए। हाँ मालूम पड़ जाए की पकी है ये पकी जी। तो अभी ये निकालिए टेस्ट करे की इसको काटा अभी। हाँ जीगा से तो ये दानो भैया पक्को ही कितना दिन में काट लेना चाहिए कपड़ा ना भी? अभी आज काल में काटना है आज काल में काट लेना चाहिए ना कपड़ा। हाँ लाल जमीन है या लाल जमीन में क्योंकि दीमक लग जाते मतलब हाँ ज्यादा ज्यादा सूखने से दीमक लग जाए मतलब उदी लग जाए ज्यादा सुखा रहा था ना। तो लक्ष्मण भाई एक में एक दो तरीको आ रहा है मक्का कैसे टेस्ट करे मतलब आएगी तो समझ है टेस्ट। एक इसमें ये है की भुट्टा नीचे ये नमी जाए लबड़ी जाए मतलब नीचे भुट्टो मत की है। हाँ तो ये क्या भी ये ज्यादा टुकड़े से ये क्या नीचे गिर सकता है। हाँ इसलिए वो पकी गई तो कैसे काटने की जरूरी रही। तो भैया अभी आप सूखी की मचिएगा अभी काय करेंगे अब काटेंगे इसको काटा है काटेंगे अभी। अपना अभी मक्का काट दिया है ना क्या करेंगे अब इसको छील के और दाल हम सब ले जाओगे घर मोड़ी में। तो लेकिन भाई अपना ज्यादा दिन तक यहाँ पटकी रखे तो दीमक लगी जाए उदी लग जाए ना ये क्या अभी भी लग रही है उदी नहीं ये तो खाई देखो हाँ ये गई ये है नहीं ये देख ज्यादा दिन रखने से ये उदी लग गई है सब ये अपना ज्यादा दिन काटने पटके उदी लग गया ना। हाँ भाई उदी लग गई नहीं हाँ। मतलब जल्दी जल्दी अपना काटिन घर ले जाना जल्दी जल्दी काटिन ले जाना तो ये आधे दूध यहाँ खाई जाए यहाँ खाई हाँ यहाँ खाई जाए लीजिए मतलब काटिन फिर दूसरे दिन छोड़ लो दूसरा दिन छोड़ लो और नहीं तो काट लो बंद कर दो छोलो छोलो उदी खाई जाए उदी खाई जाए कई मतलब काट जाओ करता जाओ अपने बाद में दो दिन बाद में छिलांगा तो खाई जाए खाई जाए। तो मतलब जल्दी जल्दी घर ले जाना जल्दी छिलिंग घर ही ले जाना डायरेक्ट वो भी नीचे नहीं पटक वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी ऊपर मांडा पे पटकना पड़े मांडा पर ऊपर टाटला के ऊपर हो नीचे पटके वहाँ खाइए वहाँ खाइए।